20 जुलाई 2021 को एक सानिया पेश आता है थाने कोसार की जुरिसडिक्शन में, जिसमें एक लड़का जिसका नाम ज़ाहिर जाफ़िर था, वो अपनी दोस्त नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाता है। उसको पहले एक दो दिन पूरा डिटेन करता है अपने पास, उसके बाद वो उसको टॉर्चर करता है। उसको पहले उसके साथ उसने फिज़िकल भी हुआ है, उसके बाद उसको वो मर्डर करता है, जिसमें उसने पहले उसको शॉट करने की कोशिश की है, जिसका वो पिस्टल का चैम्बर जो है वो फंस जाता है। तो उसके बाद वो एक अपने एक नाइफ से वो उसको मर्डर कर देता है। और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है कि आप इस चीज़ को जो एविडेंसेस हैं या मुझसे मर्डर हो चुका है उसको वो अपने एरिया से हटा दें। सबसे पहले उसने जो कॉल की ज़ाहिर जाफ़र ने, वो अपनी माँ को की। इसका मतलब ये है कि उसने सारा जो भी सिनेरियो है या जो भी मर्डर उसने किया है वो अपनी माँ को वो बता चुका था, जिस पे उसके पेरेंट्स जो हैं वो पुलिस को इतला देने के, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को इतला देते हैं, जो कि वो आते हैं वहाँ पे और कोशिश करते हैं। जो मेन मोटिव है जो मेरे ख्याल से कि वो ये है कि वहाँ से जो एविडेंसेस हैं वो वहाँ से मिटा सकें। तो उसके बाद अभी तक वो बेल के लिए उसके पेरेंट्स भी अप्लाई कर चुके हैं, जो कि हाई कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है। उसके बाद अभी चलान आया है 173 CRPC के तहत, जो कि 8 सितंबर को सबमिट हुआ है, और अभी फर्दर ट्रायल चलेगा उसका। समातों का अहवाल तो यही है कि फेयर ट्रायल है, जो जो उनको नज़र आ रहा है इस चीज़ में, जो जो उनको लग रहा है, जिस जिसने उसका साथ दिया है उसको बुलाया जा रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, बट इस सब से भी एक जान जो जा चुकी है वो वापस नहीं आ सकती, तो ट्रायल अब तक बिल्कुल ठीक जा रहा है। जी, ये एक बिल्कुल इंटेंशनल मर्डर था, एक प्लान्ड मर्डर था, और ये आम कत्ल नहीं था, ये एक ब्रूटल मर्डर था। ये वाहिद केस जो मैंने देखा है कि जी मुलजम भी कहीं नहीं गया, और उसने उसका उसको उस पर गुस्सा था कि उसने उसका सर जो है वो धड़ से अलग करके उसके साथ फुटबॉल भी खेला। प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी कमज़ोरी छोड़ी गई है। डिपेंड करता है कि इसका ट्रायल किस तरह चलेगा, इसमें विटनेसेस किस तरह से आएंगे, उनको किस तरह से देखा जाएगा, समझा जाएगा, टोटली उस पर डिपेंड करता है। देखिए जी, मेरे ख्याल से तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, इन्वेस्टिगेशन की पूरी मुकम्मल है, बिकॉज इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, वो भी डे टू डे वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं IG से, और पार्लियामेंट तक, और मीडिया हाइप, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। कितनी हाइप इस केस की क्रिएट हो चुकी है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लूप होल जो है वो छोड़ा गया है। जो मीडिया ट्रायल इसका है उसी की वजह से, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबको एक अवेयरनेस हुई है, सबको पता चला है, अगर मीडिया हाइप ना होती तो शायद इस केस को उस तरीके से ना लेके चला जाता। बाकी कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो ये एक ऑफेंस जो है वो अंडर सेक्शन 302 ऑफ PPC में अट्रैक्ट करता है। बेसिकली 302 ही सज़ा है, इसमें ये होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट, और ये बेसिकली कत्ल अम्द है। कत्ल अम्द मीन्स के आप इंटेंशनली किसी को मर्डर करते हैं। अगर उसके पेरेंट्स की बात की जाए तो उन पर भी ऑफेंसेस जो मेरे नज़रिए से वो ये हैं कि आप अबेटमेंट का है, उसमें आपने पुलिस को बवक्त बकुआ इतला नहीं की है, आपने उसको पुलिस के एविडेंस छुपाने की कोशिश की है, और इसके लिए सेक्शन 201 PPC जो है वो डील करेगा कि उनका क्या रोल प्रूफ होता है और उसके बाद उनको क्या सज़ा मिलती है। इस वक्त तो जो इनकी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है वो कुछ नहीं कर पा रही, ये तो हमारे सामने है, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की गई होगी, ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, इसका क्रेडिट भी सोशल मीडिया को जाता है जो हर चीज़ सामने ला के रख देता है। और सेकेंडली जो मेन चीज़ है मेरे नज़रिए से कि उनके पेरेंट्स जो हैं ज़ाहिर जाफ़िर के, वो कस्टडी में है पुलिस की, तो जिससे वो ये है कि वो किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, इसकी जिसका ये सबसे मेन जो पर्पस है कि एविडेंस जो है वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या अप्रोचेबल नहीं हो सकता वो। वरना पाकिस्तान में ये चला आ रहा है कि जब आपके पास पैसे हैं और पैसों से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रेडिट आप अपने इस सिस्टम को भी दें जो कि अब पैसे पे नहीं चलता। वो बातें पहले होती थी कि जी फलां बिक गया, पुलिस वाला बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आप मर्डर अगर कर देते हैं आपको सज़ा हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है या डेथ पनिशमेंट हो जाती है, तो उसमें आपके पास एक्यूज़ के पास एक राइट होता है, राइट टू अपील, जो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अपील की तो उसके पास हमेशा रहेगी, बिकॉज ये उसका राइट है और वो इसको यूज़ कर सकता है। ये जो लोग कह रहे थे कि ज़ाहिर पागल है, NGOs वाले और ये मोमबत्ती वाली आंटियाँ, तो उसको पागल कहने से आप उसको एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि पागल को आप क्या सज़ा देंगे,
फिर आप उसको कहते हैं कि वो पागल है, उसने ये कर दिया, उसने फ्लां पे अटैक किया, जब फ्लां पहुंचा तो उसने फ्लां पे अटैक किया, विच मीन्स कि आप उसको मेंटल असाइलम पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि वो जेल की सलाखों से निकल के मेंटल असाइलम में एसीज़ के नीचे बैठे। उन्होंने एक और प्ली ये ली कि जी ही इज़ नॉट मेंटली फिट और वो साइकोपैथ है, तो मेरे ख्याल से तो वो अभी प्रूव भी हो चुका है कि जी वो ही इज़ टोटली फिट, क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका है कि ही वॉज totally in his senses at the time of murder and even at the time of trial he was in senses. तो फिर आप उनको insane या कोई पागल या for the time being insanity नहीं कह सकते। देखिए इस stage पर कोई भी comment करना वो before deciding a fate of case it's too early। जो maximum punishment इसे हो सकती है 25 years तक हो सकती है या फिर death punishment हो सकती है। मैं तो यही कहूँगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा भी सजाए मौत हो और कम से कम भी सजाए मौत हो। तो मेरे ख्याल से तो इंक्वायरी पूरी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लूप होल है इस इन्वेस्टिगेशन में कि वो सजा से बच सके, और मेरे ख्याल से तो इसे सजाए मौत हो जाएगी।